तो देखो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है, आई की वैल्यू दे रखी है 10 i कैप प्लस 10 j कैप न्यूटन पर kg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो ये होता है मास इंटू आई, ठीक है, सबको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। मास हमें 2 kg दे रखा है, 10 i कैप प्लस 10 j कैप हो जाएगा, दैट इज 20 i कैप प्लस 20 j कैप। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0.0 से लेके 5 m, 4 m तक, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा आर, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हो जाएगा 20 i कैप प्लस 20 j कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ 5 i कैप प्लस 4 j कैप। फाइनल माइनस इनिशियल किए हैं, 5 - 0 प्लस 4 - 0, तो यहाँ पर से 20 × 5 प्लस 20 × 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 25 + 4 = 9, 9 × 2 = 18, 180 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर है।